जी थर्ड टाइप ऑफ रिटेलर अब हम डिस्कशन करने लगे हैं जो कि सर्विस रिटेलर कहलाते हैं बट दे आर फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज इस तरह के रिटेलर्स जो के रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द एंड कंज्यूमर टू फाइनल यूजर्स ये सर्विस रिटेलर फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस कहलाते हैं नॉर्मली पीपल कॉल इट ओनली रिपेयर बट ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कवर्स इन टू इट और अगर हम इस बॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे डिटेल से लेकर चलते हैं तो हमारे पास इस तरह के रिटेलर्स की कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं अगेन जिस तरीके से आ, कार ऑइल सर्विसज है और रिपेयर सर्विसेज है मोबाइल रिपेयर सर्विसेज है लैपटॉप रिपेयर सर्विसेज हैं इसी तरीके से जेंसेट रिपेयर सर्विस तमाम इक्विपमेंट से रिलेटेड इज इट आइदर रिपेयर इट इज़ आइदर मेंटेनेंस बेशक वो ऑल चेंजिंग है कुछ एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप्स के हवाले से है सो इट कैन बी रिपेयर शॉप इट कैन बी रिपेयर शॉप रिपेयर सर्विसिज टू आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स टू आइदर अपलाइंसेज टू आइदर वाइट गुड्स टू आइदर ब्राउन गुड्स तो वो तमाम सर्विसेज जो के सर्विस रिटेलिंग के अंदर क्वालिफाई करती हैं और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के परस्पेक्टिव में आती हैं हमारे पास पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड भी है और अनऑर्गेनाइज्ड भी है और इसी तरीके से इंटरनेशनली भी यही सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड भी अवेलेबल हैं और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से भी अवेलेबल हैं तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लेते हैं अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज दोनों के हवाले से क्विकली वन बाय वन अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल मौजूद नहीं है हमारे पास वन ऑयल चेंजिंग सर्विसेज के हवाले से एक कंपनी का नाम आता है जिस तरीके से गार्ड ऑटो जोन की बात कर रहे हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास इस टाइम के ऊपर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज जो कि ऑयल चेंजिंग का काम कर रही हैं सर्विसेज जो कि मे बी हमारे पास कायर टार टायर चेंजिंग के हवाले से कुछ काम कर रही हैं तो दिस इज वन ऑफ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करता हूँ तो हैरान कन तौर पर तकरीबन मेजोरिटी ऑफ दिस रिपेयर एंड मैंटेन्स सेगमेंट इज बेस्ड ऑन अनऑर्गनाइज सेगमेंट जिस तरीके से आप हम अपनी लोकेलिटीज़ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं हमारे पास टायर चेंजिंग शॉप्स हैं हमारे पास कार रिपेयर शॉप्स हैं कार पेंट शॉप्स हैं हमारे पास मोबाइल रिपेयर शॉप्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर शॉप्स हैं हमारे पास इक्विपमेंट्स की रिपेयर शॉप्स हैं तो ये वो तमाम रिटेलर्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करें ऑफ़ कोर्स ये वो रिटेलर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज हैं और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ वाई सर्विस रिटेलर के क्राइटेरिया के अंदर क्वालिफाई करते हैं ऑर्गेनाइज की एग्जांपल्स पाकिस्तान से बाहर यू विल फाइंड अलाउट जिसमें ये सेक्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम शिफ्ट करता है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जिस तरह से ऑटो जोन की एग्जाम्पल है इंटरनेशनल वन ऑफ द टॉप यू एस रिटेलर्स में से है सर्विस रिटेलर्स में से है मोर देन फाइव थाउजेंड स्टोरस मोर दैन फाइव थाउजेंड सर्विस रिटेल मौजूद हैं और किस चीज़ के लिए मौजूद है अगेन ऑल दिज रिपेयर एंड मैंटेन्स सर्विस फॉर ऑल ऑटो सोल्यूशन तो अगेन हमारे पास इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के अलावा हैं जो कि लेकिन आने वाले टाइम के अंदर विदिज ऑफ टाइम ऑब्जर्व दैट कि यह ट्रेंड विल भी कमिंग इन टू पाकिस्तान ऑल्सो इसी तरीके से अगर आप देखें तो सिंगल आउटलेट्स की सूरत में भी बेनतहा हमारे पास आ, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं और और चेन आउटलेट्स के हवाले से भी मौजूद हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस तरह मैंने अभी गार्ड ऑटो की एग्जाम्पल दी तो वो सिंगल नहीं है वो चेन है इसी तरीके से अगर हम अपने नियर बाय सराउंडिंग के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारे जो रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाले बेशक वो पीपल हु आर गिविंग ऑल दिस सर्विसेज ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल सिंगल आउटलेट बेस्ड हैं तो ये चेन के ऊपर बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करते तो ये वो तमाम लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं और सिंगल हैं ज़्यादातर यू विल ऑब्जर्व स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान और डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान के जहाँ पर जितने भी सिंगल ऑपरेटेड आउटलेट्स हैं रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये तमाम वो लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज हैं you get the gradually you will go you will move from one service outlet to another service outlet or one to two outlets gradually you will see okay you are trying to organize yourself प्रॉपरली तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं क्विकली हम उनका रिव्यू करते हैं जिस तरह से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ऑटो रिपेयर की बात है जे जेरीज आउट ऑटो रिपेयर की एग्ज़ाम्पल एक मौजूद है ऑटो जून की एग्ज़ाम्पल मैंने भी आपको कोट की है चेन ऑफ़ आउटलेट्स है ऑर्गेनाइज के तौर पर काम करा है मोबिफिक्स की बात है पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट के अंदर भी और इंडियन कॉन्टेक्ट के अंदर भी ये वेंडर अप्लाई होता है और अगेन आई ब्रोक आईफिक्स इस तरह की बहुत सारी रिपेयर सर्विसज़ हैं जो कि प्रोवाइड की जा रही हैं टू तो द एंड कंज्यूमर और इस तरह के तमाम रिटेलर कहलाते हैं सर्विस रिटेलर एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस